अभी हम सीखेंगे बड़ी बड़ी संख्याओं को कैसे करते हैं। जैसे टीचर ट्रेनिंग बुक के अंदर सपोज आपने सारे जंपिंग वाला जो पेज है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, डीप जंप, ये कर लिया है मान लो। जैसे आपका ये टीचर ट्रेनिंग की बुक है और इसके अंदर आपके ये जंप्स हैं, हाई जंप, डीप जंप वगैरह कर लिया आपने। अब इसमें संख्याएं छोटी छोटी थी, अब मान लो आपको बड़ी बड़ी संख्याएं करनी है, तो देखते हैं कैसे फॉर्मूले हम लोग काम में लेते हैं। सपोज ये क्वेश्चन है आपका 129 प्लस 237, ये क्वेश्चन है। अब अभिकस्प करके देखते हैं। वन हंड्रेड ट्वेंटी नाइन का मतलब है वन तो यहां पे आएगा, टू यहां पे आएगा और नाइन यहां पे आएगा। तो वन आप इस पे कर लीजिए, टू यहां पे कर लीजिए और नाइन आप शॉर्टकट से कर लेंगे। देखो ध्यान से, यही है 129। उसके बाद है, इसमें ऐड करना है 237। इसका मतलब टू यहां पे करना है, थ्री यहां पे करना है और सेवन यहां पे करना है। तो सबसे पहले जैसा हम बोलते हैं 237, तो सबसे पहले टू करेंगे, तो ये टू इस पे करना है, तो ये टू आपके आराम से हो गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इस पे थ्री करना है, अब थ्री इस पे हो नहीं रहे, तो थ्री के लिए प्लस फाइव और माइनस टू फॉर्मूले से कर लिए। उसके बाद है सेवन, सेवन इस पे करना है, सेवन इस पे हो नहीं रहा है, तो फॉर्मूला सेवन का लगाएंगे माइनस थ्री प्लस टेन, इसके लिए प्लस टेन ये वाला है, तो माइनस थ्री प्लस टेन एक साथ करेंगे, तो आंसर आया 366, 366। एक क्वेश्चन और देखते हैं अभी, 1289 8995। ये आपको तभी अच्छे समझ में आएंगे जब आपके जंपिंग्स वगैरह जो सिखाई गई हैं वो आपको एकदम क्लियर है। तो सबसे पहले इसको इजी तरीके से करेंगे, 1289, तो 1289 पहले हम लोग इसको कर रहे हैं, इसको अभिकस के ऊपर, तो वन तो इस पर आ जाएगा, टू इस रोड पे है, एट शॉर्टकट से और नाइन ये, 1289 जैसा लिखा है वैसा हमने कर लिया। उसके बाद इसमें एडिशन करना है 8999, इसका मतलब एट यहां करना है, नाइन इस पे करना है, नाइन इस पे करना है और फाइव इस पे करना है। जैसा जिस रोड पे आ रहा है वही वैसा करेंगे। तो सबसे पहले शुरू, जैसे हम लोग 8000 बोल रहे हैं तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करेंगे, आगे से, पीछे से नहीं करेंगे। हमारे स्कूल के अंदर जो हमारी मैथमेटिक्स है उसमें हम लोग पीछे से स्टार्ट करते हैं, यहां से करते हैं कैलकुलेशन, लेकिन अभिकस में जहां से लिखते हैं वहीं से करते हैं, ये समझ लीजिए आप। तो हमने स्टार्ट एट से किया है, तो एट इस पे करना है, तो ये तो एट इस पे आराम से हो गया, ये एट हो गया आपका। उसके बाद है नाइन, नाइन इस पे करना है, तो अब नाइन तो हो नहीं रहा है, अब लगाएंगे फॉर्मूला। नाइन का फॉर्मूला है माइनस वन प्लस टेन, तो माइनस वन, इसको माइनस वन करना, इसका टेन हमेशा आगे वाला रहता है, तो यहां टेन हो नहीं रहा है, तो यहां टेन करेंगे और पीछे वाले करेंगे, पीछे वाले सारे माइनस, ये हमने जंपिंग में सीखा था। इस रोड पे भी हो गया, अब इस रोड पे आना है, इस पे भी नाइन करना है, तो माइनस वन, इसका टेन इसके आगे वाला रहता है। फिर है फाइव, यहां फाइव करना है, तो माइनस फाइव, इसके टेन इसके आगे वाला है, तो आंसर इज 10284। अब आपने एक चीज सीखी है कि वैसे तो हम लोग टेन समझते हैं इस रोड पे, लेकिन ऐसा नहीं, हम जैसे कोई क्वेश्चन कोई डिजिट यहां पे कर रहे हैं तो इसके लिए टेन ये वाला होगा, पीछे नहीं आना है कहीं। जैसे सपोज आप कोई डिजिट आप कोई कर रहे हैं क्वेश्चन को यहां कर रहे हैं और फॉर्मूला यहां लगाना, तो इसका टेन हमेशा आगे वाला रहेगा, इसका टेन ये आगे वाला, इसका टेन ये आगे वाला, फॉर्मूला हमेशा आगे वाले रोड पे लगेगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आप यहां कर रहे हो और टेन पीछे आ गए, ऐसा नहीं है, टेन हमेशा उसकी आगे वाली डिजिट रहती है।